बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार कहा जा रहा है, यही चमकी बुखार ने मुजफ्फरपुर को हिला कर रख दिया है। इसका प्रकोप ऐसा है कि इसके बारे में बात करने पर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चमकी बुखार से अब तक 150 से अधिक बच्चे काल की गाल में समा गए हैं। कई माओं की गोद सुनी हो गई है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। कई बच्चे अभी भी SKMCH अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अस्पताल में सुनाई पड़ रही है तो सिर्फ चीखें, जो डॉक्टर तो सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं सुन पा रहा है तो वो है मौन सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं, सुन कर भी नहीं सुन पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाले बेगूसराय के युवा नेता कन्हैया कुमार आज कहां हैं? क्यों नहीं पहुंचे मुजफ्फरपुर कन्हैया? चुनाव के समय बिहार की सूरत बदलने की बात करने वाले कन्हैया को क्यों वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है? क्या ये सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे? मुजफ्फरपुर तो छोड़िए, जहां से ये चुनाव लड़े बेगूसराय, वहां भी 10 से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये जनाब तो यहां भी नहीं पहुंचे। क्या यही लोग बिहार की दिशा और दशा बदलेंगे? इन्हें अवसरवादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे?